हेलो गाइस, गाइस स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो में। तो गाइस आईएसएल के बारे में बहुत कुछ अपडेट है यार, आप लोगों को बहुत सारे अपडेट शेयर करने हैं। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को करना सब्सक्राइब। मैं फुटबॉल से रिलेटेड इसी तरह अपडेट डेली लाता रहता हूँ। तो चलिए गाइस बिना टाइम वेस्ट किए बताते हैं आज का वीडियो। तो गाइस पहला अपडेट निकल के आ रहा है उड़ीसा एफसी के लिए। तो गाइस उड़ीसा एफसी लेनी रॉड्रिगेज की जो साइनिंग है पूरा पूरी कंप्लीट करना चाहती है। ऐसे भी गाइस लेनी रॉड्रिगेज को उतना भी मौका नहीं मिलता था यार एफसी गोवा में, ठीक है, इसलिए गाइस वो भी एफसी गोवा को छोड़ना चाहते हैं। अब देखो गाइस ये डील पूरा पूरी कंप्लीट हो पाता है या फिर नहीं। तो गाइस सेकंड में बात कर लेते हैं आईएसएल कब स्टार्ट होगा, ठीक है। तो गाइस आपको मैं बता दूं कि इस बार आईएसएल बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। इस बार गाइस सितंबर में स्टार्ट होने वाला, 15 सितंबर 2023 में, ठीक है। और गाइस थर्ड में बात कर लेते हैं मुंबई सिटी एफसी के बारे में। तो गाइस मुंबई सिटी एफसी टीडी का जो साइनिंग है पूरा पूरी कंप्लीट करना चाहती है। ऐसे भी गाइस आप लोगों को मालूम होगा टीडी को मोहन बगान सुपर जायंट से अलविदा घोषित कर दिया गया है, ठीक है, पूरा पूरी रिलीज उनको कर दिया गया है। इसलिए गाइस टीडी के साथ एडवांस स्टेज में बातचीत चला रहे मुंबई सिटी एफसी। अब देखो गाइस ये डील पूरा पूरी कंप्लीट हो पाता या फिर नहीं। और गाइस फोर्थ में बात कर लेते हैं चेन्नई एफसी के बारे में। तो गाइस चेन्नई एफसी रोजेबर्ग गैब्रियल का जो साइनिंग है पूरा पूरी कंप्लीट करना चाहती है। तो गाइस जो रोजेबर्ग गैब्रियल है उनका 26 ईयर्स ओल्ड है और वो लेफ्ट विंग की पोजीशन में खेलती है। और गाइस इनका जो मार्केट वैल्यू 1 करोड़ रुपीज है। अब देखो गाइस इनका डील पूरा पूरी कंप्लीट हो पाता या फिर नहीं। और गाइस फिफ्थ में बात कर लेते ईस्ट बंगाल एफसी के बारे में। तो गाइस ईस्ट बंगाल एफसी 3 इंडियन प्लेयर्स का जो साइनिंग है पूरा पूरी कंप्लीट करना चाहती है। तो गाइस उन प्लेयर का नाम मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस जो पहला नंबर प्लेयर है उनका नाम है आदित्य पात्रा, सेकंड नंबर प्लेयर उनका नाम है अमन सिंह और जो थर्ड नंबर प्लेयर आता है उनका नाम है कुश छेत्री। तो गाइस इन तीनों प्लेयर का साइनिंग ईस्ट बंगाल एफसी पूरा पूरी कंप्लीट करना चाहती है। गाइस मैं बता दूं कि ये तीनों प्लेयर रिजर्व टीम्स होकर खेलती है ईस्ट बंगाल एफसी का, ठीक है। अब देखो गाइस इन तीनों प्लेयर का साइनिंग पूरा पूरी कंप्लीट हो पाता या फिर नहीं। और गाइस सिक्स नंबर में भी बात कर लेते ईस्ट बंगाल एफसी के बारे में। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि जाबियर सिबेरियो का साइनिंग पूरा पूरी कंप्लीट तो हो चुका है, लेकिन गाइस उनका अभी पेपर वर्क बाकी है, सिग्नेचर वगैरह बाकी है, ठीक है, बहुत सारा काम रहता ना गाइस, वो अभी तक नहीं हुआ है। आप टेंशन मत लो, वो भी पूरा पूरी हो जाएगा बाद में। बस सही बोल रहा था। चलो मिलते हैं स्क्रीन स्पीड में, तब तक ले जाए हिंद जय भारत।